आप देख रहे हैं lifecities.in और मैं हूं वसीम खान। आरक्षण को लेकर बिहार की राजनीति नहीं बल्कि पूरे देश में आरक्षण की राजनीति होने लगी। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे बहुमत समाज के लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं। हमारे सहयोगी भी आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं कि काफी जनसंख्या में यहाँ पे युवा आरक्षण की सरकार नहीं चलेगी, आप पहले ये सुने कि हमसे बात करते हुए क्या कुछ कहा युवाओं ने, पहले आप वो सुन। हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हम लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने UGC विभाग और मानव संसाधन विभाग ने जो यूनिवर्सिटी में शिक्षक की बहाली होती थी, प्रोफेसर की बहाली होती थी, वो पहले यूनिवर्सिटी को यूनिट माना जाता था, पर अब डिपार्टमेंट को यूनिट माना जा रहा है। अगर डिपार्टमेंट को यूनिट माना जाएगा तो उसमें SC ST OBC एक भी कैंडिडेट को प्रोफेसर की बहाली में नियुक्ति नहीं हो पाएगी और ये सीधा सीधा आरक्षण से वंचित हम लोगों को वंचित करने का जो उद्देश्य है केंद्र सरकार का, इसके खिलाफ में हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। आगे भी हमारी मांगों को नहीं मांगा गया तो हम लोग पूरे बिहार बंद करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। अमर आजाद से केंद्र सरकार पे साफ तौर पे हमला बोल चुकी है। इनका साफ तौर पे कहना है कि आरक्षण से हमें वंचित करने के लिए केंद्र सरकार नए नए तकनीकों को ला रही है, नई नई योजनाओं को ला रही है और हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश भर में आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे और हम अपने आरक्षण जो हमें मिलती है उससे हम वंचित नहीं होंगे और हम आरक्षण लेके रहेंगे। और सरकार की, केंद्र सरकार की जो नियत है कि हमारा आरक्षण से वंचित किया जाए वो कतई नहीं सहेंगे। बहरहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आप सबसे पहले रूबरू हो सके। धन्यवाद।